हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आई हूँ एक नए टाइप की बिरयानी। आपने बिरयानी तो बहुत खाई होगी, लेकिन बैगन बिरयानी कभी नहीं खाया होगा, जिसे हम सर्व करेंगे दही के रायते और प्याज के सलाद के साथ। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं बैगन बिरयानी, जिसके लिए हमने लिया हुआ है एक कटोरी बासमती राइस। अब इसको हम अच्छी तरह से साफ करके रखा हुआ है। इसके लिए हमने पकाने के लिए गैस पे एक पतीले को चढ़ाएंगे और उसमें पानी गरम करेंगे और उसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे कि 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 चक्रफूल, 4 से 5 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची और थोड़ी सी जावित्री। जैसे ही पानी में उबाल आएगा, इसमें हम अपना चावल और खड़े मसाले दोनों ही डाल देंगे। यहीं पे हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर और साथ ही इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच फेटी हुई दही। तो देखिए, ये मेरा चावल पक रहा है। इस चावल को हम पूरा नहीं पकाएंगे। और बीच बीच में हम अपने चावलों को चेक करते रहेंगे। तो ये मेरा चावल अब लगभग पक गया है। अब हम इसे किसी छन्नी की मदद से इसका पानी छान लेंगे। तो चलिए अब हम इसके लिए बैंगन को तैयार करने की ओर चलते हैं। इसके लिए हमने 2 मीडियम साइज के बैंगन लिए हुए हैं और इसे बड़े ही कट में काटेंगे। तो देखिए, अब हमने अपने दोनों बैंगन काट के तैयार कर लिए। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हमने 1 बाउल में 2 से 3 चम्मच दही के लिए हैं और इसमें मिलाएंगे 1/2 चम्मच पुदीना पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। तो हम इसमें और डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और साथ ही डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और फिर इसमें हम डालेंगे अपने कटे हुए बैंगन। तो हमने दही में अपना सारा बैंगन मिला के तैयार कर लिया अच्छी तरह से। अब हम बैंगन को पकाने के लिए एक पतीले में डालेंगे 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल। इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और इस तेल में हम जो बैंगन मिला करके रखे हुए हैं उसे डाल देंगे भगोने में और चला करके 5 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे। इसे हम चलाते हुए स्लो गैस पे ही पकाएंगे। अब हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए स्लो गैस पे ही फिर से पकाएं, जिससे कि बैंगन अच्छी तरह से पक जाए।
तो अब मेरा बैंगन अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इस पर चावलों की लेयर शुरू करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए कुछ पनीर के पीसेस। इसके बाद हम इसमें फिर से थोड़ा सा चावल डाल देंगे। अब हम इसमें फिर से एक चम्मच बटर डाल देंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 कुटी हुई छोटी इलायची और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 चुटकी लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद हम फिर से इसे चावलों से ढक देंगे। हम इसे 1/4 कटोरी फ्रोजन मटर डाल के कुछ लच्छे अदरक के और हरी कटी मिर्च डालेंगे। और अब हम इसमें अपने बचे हुए चावलों को डाल के अच्छी तरह से ढक देंगे। इसे स्लो गैस पे 5 मिनट के लिए ढक के अच्छी तरह से पकाएंगे। तो देखिए 5 मिनट बाद मेरी बिरयानी अच्छी तरह से पक के तैयार हो गई है। अब हम इसे चला ले रहे हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी धनिया और कटे हुए हरे प्याज। तो देखिए मेरी बिरयानी एकदम से रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। तो दोस्तों एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो इसी तरह की नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।